तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही इस पूरे मामले को लेकर अब देखना होगा पुलिस का एक्शन और ज्यादा कितना बढ़ता है इस पूरे मामले में। राइजिंग छत्तीसगढ़ 2023 के मंच पर धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त बहस हुई। महत्वपूर्ण मुद्दे का रुख कर लेते हैं, वो है धर्मांतरण का मुद्दा। कुणाल जी, इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी भी इस मंच से उठा करके गई है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हो रहा है, आदिवासी इलाके हैं, बस्तर जैसे इलाके हैं, वहां पर ये हो रहा है धर्मांतरण। लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं इसी धर्मांतरण के लिए, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। पहले जवाब आपका कुणाल जी, क्योंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। देखिए, मैं यहां सभी दर्शकों को और जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके के बलात् धर्मांतरण के विरुद्ध हूं। और जो संविधान बोल रहा है, जो संविधान ने हमें कहा है, जो धर्म को मानने की व्यक्ति का स्वतंत्रता दी है, संवैधानिक रूप से काम होना चाहिए। और मैं ये हर बार कहता हूं, भाजपा के लोगों से भी कहता हूं, केंद्र में जो इनके मठाधीश बैठे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि भाजपा धर्मांतरण को लेके, केंद्र सरकार धर्मांतरण को लेके कोई स्पष्ट कोई एक नीति रीति क्यों नहीं बना देती। अगर वह स्पष्ट रीति नीति बना देती है तो मैं इस केंद्र सरकार के साथ खड़ा रहूंगा, मैं जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहूंगा। भाजपा धर्मांतरण को लेके कोई नीति नीति राज्य क्यों नहीं बना? अगर अवैध तरीके से कोई काम हो रहा है, चाहे वो धर्मांतरण है या किसी भी प्रकार का क्राइम है, अगर केंद्र से पॉलिसी नहीं आएगी तो क्या राज्य से पल्ला झाड़ेंगे? राज्य ने बिल्कुल नियम बना के रखे, राज्य ने बिल्कुल नियम बना के रखे हैं। अगर कहीं हो रहा है धर्मांतरण, अगर बलात् हो रहा है, धर्मांतरण कहीं अवैध तरीके से हो रहा है, आप बिल्कुल उसकी पुलिस में शिकायत करिए, आप कलेक्टर को बताइए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। परंतु केंद्र सरकार के ऊपर मेरा यह प्रश्न चिन्ह है कि केंद्र सरकार धर्मांतरण के ऊपर कोई रीति नीति कोई नियम कायदे क्यों नहीं ला रही है? इन्होंने तो गेंद जो है वो केंद्र के कोर्ट में डाल दी है कि सेंटर से पॉलिसी नहीं आई या उसके लिए कोई सख्त नियम कानून नहीं बनाएगा, तो फिर सत्ता में रहने का इनका अधिकार भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे रहे हैं। पूरे देश में धर्मांतरण नहीं रुकवा सकते तो नरेंद्र मोदी आज इस्तीफा दे दें। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, डेकोरम मेंटेन कर रहा हूं। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी रखता है, और अगर आपके राज्य में आपकी सरकार के होते हुए दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है और आपके एसपी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि धर्मांतरण करने वाले लोगों और जिनका धर्मांतरण होने वाला है उनके बीच में क्लैशेस होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं, उसकी चिट्ठी के बाद भी आप अगर उसको आप वैध तरीका या केंद्र सरकार पर डालना चाहते हैं, आपने सारी चीजें 5 साल में केंद्र पर ही डाली हैं, इसीलिए ही आपको असक्षम सरकार माना जा रहा है। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महाकवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए, एक नहीं अनेक है का